हेलो एवरीवन। सर्दी आते ही नाश्ते में मेथी के पराठे और सब्जी जो होती है ना, बहुत अच्छी लगती है ना, और हमें लगता है सभी को बहुत पसंद भी आती है। तो यहाँ पे ना एक दिन पहले ही हमने मेथी को अच्छे से साफ़ कर दिया। एक्चुअली इसमें बहुत सारी मिट्टी थी, तो 3 से 4 बार पानी में साफ़ नहीं निकल आया। तब तक साफ़ किया, फिर काटने के बाद में इसको फ्रिज में रख दिया था, और बहुत अब फ्रेश भी मेथी हमें नहीं लग रही थी एक्चुअली। तो यहाँ पे अदरक हमने ग्रेट कर लिए, इसको ना एक रेसिपी हमने इसकी शेयर करी थी अदरक और खजूर के साथ में। इसके छोटे छोटे लड्डू बनाए थे, एक्चुअली जाड़े के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं वो। तो यहाँ पे अदरक हमने खूब सारी ग्रेट कर ली। अब चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं बाजरा और मेथी की रोटी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। एक्चुअली 3 रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तीनों एकदम अलग अलग रेसिपीज़ हैं। 3 बोल लिए, एक में हमने आटा ले लिया बाजरे का आटा, एक में थोड़ा सा कम पानी लिया, तीनों बोल बिल्कुल बराबर, एक में एकदम ना दबा दबा के मेथी ले ली है। और यहाँ पे सबसे पहले पैन में पानी ऐड कर दिया है, इसमें नमक डाल दिया है। अब यहाँ पे हम डालने काला ज़ीरा, एक्चुअली फर्स्ट टाइम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले इस्तेमाल यहाँ सुना था कई बार काला ज़ीरा भी आता है, तो चलो देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा लगता है। इसके अंदर हमने अदरक डाल दी, लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और हरी मिर्च तो सारी तीनों दोस्त हैं ना, अदरक लहसुन हरी मिर्च तो तीनों साथ में ही जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा बटर या फिर आप घी ऐड कर सकते हैं, और 1 चम्मच हमने तिल ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हींग भी डाल दिया। सारी चीज़ें रोटी के टेस्ट को तो बहुत बढ़ाती हैं, साथ में पेट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी उबल गया ना, एक बॉयल आया, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया। बर्नर काफ़ी गर्म है ना, पैन भी गर्म है, तभी आपको काफ़ी बबल दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेथी को बिल्कुल नहीं पकाना है हमने, बस पानी में डाला, मेथी तुरंत ही सॉफ्ट हो जाती है। तुरंत हमने आटा ऐड कर दिया, इसको मिक्स करा है। अब इस केस में ना, जैसे आपने मेथी और भी ज़्यादा ऐड कर दी, जैसे जितनी हमने डाली ना उससे भी ज़्यादा ऐड करी, तो पानी ज़्यादा रिलीज़ करेगा, तो इस वजह से आप इसमें सूखा आटा और भी ऐड कर सकते हैं, मीन्स बाजरे का आटा और भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बस हल्का सा ही मिक्स करना है, फ्लेम पहले ही ऑफ कर चुके हैं, पकाना कुछ भी नहीं, हमने पहले ही बताया। बस इसको निकाल लेते हैं बोल के अंदर, और बस थोड़ी देर जब ठंडा हो जाए, हल्का सा छूने लायक हो जाए ना, तब इसका हमें डो बना लेना है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कड़ा डो बन गया, मीन्स पानी काफ़ी कम आपने ऐड करा, तो इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी आप और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्ट सा डो बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे ना स्टार्टिंग में लगेगा स्टिकी स्टिकी सा, लेकिन 5-10 मिनट बाद ये ठीक हो जाता है। यहाँ पे इस आटे को आप बनाकर फ्रिज में 2 दिन भी रखेंगे ना, तो ख़राब नहीं होगा। जाड़े के टाइम पे वैसे भी थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के आप फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि सूखे ना। और जब इस तरीके से हम रोटी बनाते हैं ना, पानी में डालकर आटा और जो भी सब्ज़ियाँ आपको डालनी है, पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको मेथी नहीं डालनी है पत्ता गोभी डाल सकते हैं, वैसे भी रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। तो बहुत पतली पतली रोटियाँ बन के रेडी होती हैं, किसी किसी को ना पतली पतली रोटियाँ खाने में पसंद आती हैं, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और ये ग्लूटेन फ्री बाजरे की रोटी सर्दियों के टाइम पे अगर आपने पहले कभी भी ट्राई नहीं करी, तो ज़रूर बना के देखिएगा। इसमें जो अदरक का, लहसुन का, सारी चीज़ें जो मेथी डाली ना, उसका टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पे हमने साइड जो क्रैक्स हो जाते हैं ना हल्के हल्के, वो हमने नहीं काटे, आप चाहे तो किसी भी ढक्कन जो होता है ना टिफ़िन का, उसके साथ काट के रख सकते हैं, लेकिन हम सोचा ऐसे ही देखने में सही लग रही, तो हमने इसी तरीके से बना ली। बस इसको मीडियम फ्लेम पर पलट पलट के सेक लेना है। अब आप चाहें तो हल्का सा घी लगा के पराठे की तरह सर्व कर सकते हैं, या फिर दोपहर में लंच के टाइम बना रहे हैं तो रोटी की तरह बना के रख सकते हैं, और बहुत टेस्टी लगती है। एकदम गर्मा गर्म खाते हैं ना तो क्रिस्पी सी रहती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। और जब इसे एक के ऊपर एक रख देना, थोड़ा सा कॉटन कपड़े में लपेट के, तो बिल्कुल सॉफ्ट नरम मुलायम सी रोटियां बन के रेडी हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने ना आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा घी लगाओ, लेकिन ना ये जब मोटा अनाज होता है ना, बहुत ज़्यादा ऑयल सोखता है, इस वजह से हम ज़्यादा पराठों की रेसिपी ज़्यादा शेयर नहीं करते करते हैं, लेकिन बहुत ही कम। और आप देख सकते हैं थोड़ा घी लगाओ, बहुत ज़्यादा लगाओ ना उतने ही पूरा घी पी जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप रोटी के ऊपर आप घी लगा सकते हैं, बस गर्मा गर्म सर्व करें। चलिए बनाते हैं मेथी थाली पीठ। सर्दियों के टाइम पे एक्चुअली थाली पीठ का आटा मार्केट में भी आता है, लेकिन आप घर पे तरह तरह के आटे ऐड करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1/4 कप हमने बेसन लिया है, 1/4 कप अमरान जो होता है ना, जो कि रामदाना होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं, इसके लड्डू बनाते हैं, व्रत में भी खाया जाता है, उसका भी फ्लावर मार्केट में आता है, वो हमने 1/4 कप ले लिया है। साथ ही 1/4 कप चावल का आटा लिया है, इससे बड़ी क्रिस्पी बनते हैं। 1/4 कप रागी का आटा ले लिया है, इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे आपको यही आटे ऐड करने हैं, जो आपको नहीं हो या फिर और भी आपके वैरायटी वो आप ऐड कर सकते हैं। 1/4 कप हमने फिर लिया रागी का आटा, 1/4 कप ज्वार, 1/4 कप बाजरा, 1 बड़ा चम्मच तिल ऐड कर दिया, अदरक लहसुन हरी मिर्च, चाहे तो आप एक साथ क्रश करके रख लें वो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग बारीक कटी हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हमने थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, हल्दी, अजवाइन, थोड़ा सा घी, धनिया का पाउडर, सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हींग इसमें जाएगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
और इसमें जाएगी बड़ी कीमती मेथी। तो इसके अंदर आप चाहे ना इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा थी नहीं, तो हमने इसके अंदर लगभग 1.5 कप से थोड़ी ज़्यादा ही इसमें ऐड कर दिए। अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी को एकदम उबाल लेंगे और फिर इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा थोड़ा पानी। कभी कभी ना पानी एकदम से ज़्यादा डाल दो, आपको देखने में क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है ना बोल में सारा मिक्सचर, लेकिन मेथी भी पड़ी ना तो इससे ज़्यादा लग रहा है। पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं ना फिर काफ़ी सारा, फिर आपको इसमें आटा ऐड करना पड़ेगा सूखा आटा। इस वजह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हल्का सा मिक्स करेंगे, फिर बाद में थोड़ा सा और ऐड करके फिर इसका डो बना लेंगे। काफ़ी सॉफ्ट सा डो बनाना है क्योंकि काफ़ी मोटा अनाज है ना इसके अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा पानी सोखते हैं। एकदम सॉफ्ट सा डो बना के 15-20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब चलिए यहाँ पे हम ज्वार का भी मिक्सचर बना लेते हैं। ज्वार का आटा लिया हमने 1/2 कप। इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च सारी चीज़ें ऐड कर दी, अजवाइन ऐड कर दिए, तिल ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ही घी इसमें ऐड कर दिया, घी या फिर बटर ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करा है और इसमें जो बची हुई मेथी थी ना हमारे पास वो हमने सारी इसमें ऐड कर दिए। इसमें भी हमने गर्म पानी ऐड करा। आप चाहें तो इसमें अगर थोड़ा सा आपको दही ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। हमने किसी भी रेसिपी में दही नहीं डाला है, गर्म पानी एकदम उबला हुआ पानी डाल देंगे और बस इसको भी 5-10 मिनट रख देंगे रेस्ट करने के लिए, उसके बाद बनाएंगे। अब चाहें तो आप थाली पीठ बनाने के लिए जो कॉटन का कपड़ा होता है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पार्चमेंट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आटा कितना मुलायम बनाया है हमने एकदम पानी जैसा, और इसको हल्के हल्के छोटे छोटे बॉल बना के बस पार्चमेंट पेपर पर रखना है और खूब सारा पानी डाल के पत्ता पत्ता से बिल्कुल पत्ता पत्ता फैला लेना है। और फैलाते टाइम ना इसके जो किनारे हैं ना उनको अच्छे से पतला कर लेना, नहीं तो बहुत मोटे मोटे लगते हैं, और छेद कर देंगे ताकि अंदर तक पक जाए। अब बनाते टाइम ना सबसे पहले पैन को अच्छे से गर्म करेंगे, ग्रीस कर लेंगे, नहीं तो ना थाली पीठ उसी में चिपक जाता है। ठंडा पैन में डाल दें या ठंडे तवे पर डाल दें फिर छूटने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मीन्स ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से अच्छे से इसको ग्रीस करेंगे और फिर जब पार्चमेंट पेपर या फिर कपड़ा हटाए ना 1-2 सेकंड बाद हटाएंगे ताकि उसी में डो लगा ना रह जाए। और बस इसको थोड़ा सा घी या फिर बटर डाल देंगे और कवर करके 2 मिनट के रख देंगे ताकि अंदर तक बिल्कुल पक जाए। और एक ग्लूटेन फ्री ज्वार के थाली पीठ बनाते हैं ना, ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में और काफ़ी क्रिस्पी, जब गर्म गर्म सर्व करते हैं ना बहुत क्रिस्पी लगते हैं। अगर आप चाय पीना पसंद करते हैं तो इनको इस साथ में मेथी के थाली पीठ बनाएंगे, ज्वार के बहुत टेस्टी लगते हैं और काफ़ी क्रिस्पी। अगर आप बनाएं तो गर्मा गर्म खाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए अब बनाते हैं मल्टीग्रेन आटा जो हमने मिक्स करा था ना मेथी के साथ में, उसके थाली पीठ ऊपर ना हल्का हल्का सा आटा सूख गया था, फिर हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब आप चाहें तो इसके अंदर गेहूं का आटा ही मिक्स कर सकते हैं, हमने गेहूं का आटा नहीं डाला है। और इसमें ना पानी डाल डाल के लोई के ऊपर और पतला पतला सा फैला लेंगे, जितना हो पाए आराम से फैल जाए उतना फैला लेना है। और बस इसको इस तरीके से तवे पे डाल के तवे को पहले अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि एक भी थाली पीठ ख़राब ना हो। 2 मिनट के कवर करके रखेंगे, थोड़ा सा इसमें घी डाल देंगे जो छेद हमने बनाए हैं ताकि ना अंदर तक बिल्कुल पक जाते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा हल्का ही हल्का सा घी लगा के हमें आराम से पका लेना है मीडियम फ्लेम पर। इसमें इतना सा पानी इसलिए डालते हैं, अगर पानी कम होता है डो के अंदर तो आपने देखा हो ना एकदम ड्राई ड्राई सा सफ़ेद सफ़ेद सा आटा हो जाता है जब पकता है तब, तो वैसा अगर हो रहा है तो और पानी की छींटे आप डाल सकते हैं। और बस गर्मा गर्म सर्व करेंगे और ये आप दही के साथ में अचार हो, हरी मिर्च हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियों के टाइम पे नाश्ते में खाने को मिल जाए थाली पीठ, पौष्टिक भी हेल्दी भी। तो हमने आपसे कहा था कीमती हमारी मेथी, वो इसलिए कीमती, हम बहुत दूर जाना पड़ा था मेथी लेने के लिए। एक्चुअली सिर्फ मेथी लेने नहीं गए थे, और भी ग्रॉसरी का सामान लाए थे, जैसे कि जितने अब आटे देखे ना हमने, ज्वार बाजरा रागी और अमरान्थ का आटा, वो सारा पटेल ब्रदर्स से हमें मिल जाते हैं। आप अगर बाहर रहते होंगे इंडिया से बाहर तो पटेल ब्रदर्स सारे लोग शॉपिंग करने जाते हैं, और जिस दिन यहाँ आना हो ना इस दिन इतने ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन कुछ कुछ सब्ज़ियाँ लेनी थी लेकिन वो इतनी ज़्यादा पुरानी थी ना, उनके अंदर काफ़ी मतलब अच्छी नहीं थी, तो काफ़ी हमें मीन्स छोड़नी पड़ी, नहीं ले पाए। लेकिन मेथी भी बहुत फ्रेश नहीं थी, लेकिन हमें रेसिपी भी शेयर करनी थी और टेस्टी इतनी ज़्यादा लगती है मेथी, फिर हमने मेथी ले ही ली और आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दी। आई होप आपको पसंद आए। और इन मेथी की रोटियों के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, ग्लूटेन फ्री है, वज़न भी मेनटेन रखती हैं, डायबिटीज़ फ्रेंडली है, सारे प्रोटीन फाइबर रिच भी, पेट बहुत देर तक भरा भी रहता है, जल्दी से भूख नहीं लगती है।